अज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिस दे विच नौकरियां दा मुद्दा टॉप ते रहेगा। कैबिनेट दे विच 36,000 कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन ते मोहर लग सकती है। तीन मंत्रियों दे वल्लों कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस दे विच कर्मचारियों नूं पक्का करन लई सुझाव दसे जाणगे। तां अज दी कैबिनेट मीटिंग बेहद खास रहेगी, क्योंकि इस दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन दा मुद्दा चुकया जाएगा। तो मन्निया जा रहा है कि इस फैसले ते मोहर भी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ते रखे कर्मचारी पक्का करेगी। आउटसोर्सिंग यानी कंपनियां दे जरिए रखे गए कर्मचारी इस तो बाहर हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों लिए भी सरकार 10 साल की सर्विस पूरी होने की शर्त लगा सकती है। पंजाब सरकार इस संबंध में पॉलिसी बनाएगी, जिस नज़दीक पिछली सरकार के वालों भी कर्मचारियों पक्का करने का ऐलान किया गया। हालांकि एक घोषणा ही रही सी, इस पर कोई अमल नहीं होया सी। आप सरकार दे वल्लों अज पॉलिसी बनाते हुए इन्हां कर्मचारियों लई अलग कैडर बनाया जा सकता है। तो अज की कैबिनेट मीटिंग दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का किया जा सकता है। 36,000 कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन लई फैसला लिया जा सकता है। इस फैसले ते मोहर लग सकती है। अज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिस दे विच नौकरियां दा मुद्दा टॉप ते रहेगा। कैबिनेट दे विच 36,000 कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन ते मोहर लग सकती है। तीन मंत्रियों दे वल्लों कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस दे विच कर्मचारियों नूं पक्का करन लई सुझाव दसे जाणगे। तां अज दी कैबिनेट मीटिंग बेहद खास रहेगी, क्योंकि इस दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन दा मुद्दा चुकया जाएगा। तो मन्निया जा रहा है कि इस फैसले ते मोहर भी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ते रखे कर्मचारी पक्का करेगी। आउटसोर्सिंग यानी कंपनियां दे जरिए रखे गए कर्मचारी इस तो बाहर हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों लिए भी सरकार 10 साल की सर्विस पूरी होने की शर्त लगा सकती है। पंजाब सरकार इस संबंध में पॉलिसी बनाएगी, जिस नज़दीक पिछली सरकार के वालों भी कर्मचारियों पक्का करने का ऐलान किया गया। हालांकि एक घोषणा ही रही सी, इस पर कोई अमल नहीं होया सी। आप सरकार दे वल्लों अज पॉलिसी बनाते हुए इन्हां कर्मचारियों लई अलग कैडर बनाया जा सकता है। तो अज की कैबिनेट मीटिंग दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का किया जा सकता है। 36,000 कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन लई फैसला लिया जा सकता है। इस फैसले ते मोहर लग सकती है। अज पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिस दे विच नौकरियां दा मुद्दा टॉप ते रहेगा। कैबिनेट दे विच 36,000 कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन ते मोहर लग सकती है। तीन मंत्रियों दे वल्लों कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस दे विच कर्मचारियों नूं पक्का करन लई सुझाव दसे जाणगे। तां अज दी कैबिनेट मीटिंग बेहद खास रहेगी, क्योंकि इस दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन दा मुद्दा चुकया जाएगा। तो मन्निया जा रहा है कि इस फैसले ते मोहर भी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ते रखे कर्मचारी पक्का करेगी। आउटसोर्सिंग यानी कंपनियां दे जरिए रखे गए कर्मचारी इस तो बाहर हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों लिए भी सरकार 10 साल की सर्विस पूरी होने की शर्त लगा सकती है। पंजाब सरकार इस संबंध में पॉलिसी बनाएगी, जिस नज़दीक पिछली सरकार के वालों भी कर्मचारियों पक्का करने का ऐलान किया गया। हालांकि एक घोषणा ही रही सी, इस पर कोई अमल नहीं होया सी। आप सरकार दे वल्लों अज पॉलिसी बनाते हुए इन्हां कर्मचारियों लई अलग कैडर बनाया जा सकता है। तो अज की कैबिनेट मीटिंग दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का किया जा सकता है। 36,000 कच्चे कर्मचारियों नूं पक्का करन लई फैसला लिया जा सकता है। इस फैसले ते मोहर लग सकती है।